वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर साइंस बाय दीक्षा मैम पर। मैं दीक्षा शर्मा आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर साइंस बाय दीक्षा मैम पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि इससे पहले ब्लड वाले टॉपिक की दो वीडियोस हो चुकी हैं। आज की क्लास में मैं आपको ब्लड वाले टॉपिक को फर्दर कंटिन्यू कराऊंगी। देखिए सर, ध्यान से, ब्लड में मैं आपको कवर करा चुकी हूँ। अगर किसी ने भी ब्लड की पहली दो वीडियोस नहीं देखी हैं, वो आप चैनल पर जाकर देख लेना। इस चैनल पर ब्लड की दो वीडियोस हो चुकी हैं। अब हम फर्दर ब्लड को कंटिन्यू कर रहे हैं, ब्लड वाले टॉपिक को। देखिए ध्यान से, लास्ट क्लास में मैं आपको पढ़ा चुकी थी रक्त का तरल हिस्सा। हमने जो रक्त है, देखिए ध्यान से, रक्त को हमने दो पार्ट में बांटा था। एक हमने पढ़ा था रक्त का तरल हिस्सा और एक हमने पढ़ा था रक्त का ठोस हिस्सा। रक्त का तरल हिस्सा मैंने आपको बताया था होता है प्लाज्मा, रक्त का ठोस हिस्सा होता है रक्त कणिकाएं। तो प्लाज्मा पार्ट तक मैं आपको कवर करा चुकी हूं। अगर किसी ने नहीं देखी है दो वीडियोस तो पहले वो वीडियो जाकर देख लेना ताकि आपको चीजें समझ आए। उसके बाद फिर हम कंटिन्यू कर रहे हैं रक्त कणिकाएं। आज का टॉपिक जो है रक्त कणिका या जिसे आप कहते हो ब्लड कार्पोसल्स। फ्रेंड्स देखना ध्यान से, अभी मैंने आपको बताया कि रक्त कणिकाएं क्या है। तो रक्त कणिकाएं जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में ब्लड कार्पोसल्स, रक्त कणिकाएं या फिर ब्लड कार्पोसल। सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन याद रखना है कि रक्त कणिकाएं रक्त का कैसा हिस्सा है। तो रक्त कणिकाएं आपको याद रखना है ये है रक्त का ठोस हिस्सा, सॉलिड कंपोनेंट। रक्त का ठोस हिस्सा क्या कहलाता है, एग्जामिनर सीधा पूछता है। तो रक्त का ठोस हिस्सा कहलाता है, याद रखना है आपको, रक्त कणिकाएं। रक्त कणिकाएं ब्लड में होती कितने परसेंट हैं, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। रक्त का कितने प्रतिशत हिस्सा रक्त कणिकाएं होती हैं, तो आपको याद रखना है 45%। अब 100 में से 45% होती हैं रक्त कणिकाएं, जबकि 100 में से 55% हिस्सा होता है प्लाज्मा का, जो कि हम लास्ट दो वीडियोस में पढ़ चुके हैं। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है पहले वो दो वीडियो देख लेना आप लोग जाके उस चैनल पर। आज ब्लड की थर्ड वीडियो है, इसमें हम कंटिन्यू करेंगे रक्त कणिकाओं के बारे में। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में जिक्र किया था तीन प्रकार की रक्त कणिकाएं होती हैं। कौन कौन सी तीन प्रकार की रक्त कणिकाएं होती हैं अपने शरीर में, सुनना ध्यान से, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, एग्जाम में इनसे काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं। मेन एग्जाम ओरिएंटेड सारे क्वेश्चंस मैं आपको कराने वाली हूँ आज की क्लास में, तो आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है। देखिए फ्रेंड्स ध्यान से, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ये तीन प्रकार की रक्त कणिकाएं होती हैं। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन बन जाएगा मानव शरीर में कितने प्रकार की रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं, तो आपको याद रखना है तीन। कौन कौन सी, आरबीसी। आरबीसी की यदि हम फुल फॉर्म की पूरे नाम की बात करें तो आरबीसी है रेड ब्लड कार्पोसल, रेड ब्लड कार्पोसल, या फिर आप इसको कह सकते हो लाल रुधिर कणिकाएं या लाल रक्त कणिकाएं। और यदि हम बात करें डब्ल्यूबीसी की, तो डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम हो जाएगा व्हाइट ब्लड कार्पोसल्स, या फिर जिसको आप कह सकते हो श्वेत रक्त कणिकाएं, व्हाइट ब्लड कार्पोसल्स या श्वेत रक्त कणिकाएं। और फिर है प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स को प्लेटलेट्स बोल सकते हो आप, या फिर इसको कई बार एग्जामिनर रक्त बिंबाणु टर्म भी यूज कर देता है, रक्त बिंबाणु, याद रखना है आपको रक्त बिंबाणु। चलिए अब देखिए, इन तीन रक्त कणिकाओं को हमने वन बाय वन डिस्कस करना है। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बन जाएगा कि इस पर्टिकुलर रक्त कणिका का वैज्ञानिक नाम क्या है, कहाँ ये जन्म लेती हैं, कहाँ ये मर जाती हैं, क्या इनका जीवन काल होता है, इनकी कमी से कौन सा रोग होता है, इनकी अधिकता से कौन सा रोग होता है। तो सारे पॉइंट्स मैं आज आपको क्लास में पढ़ाने वाली हूँ। ध्यान से आपको सेशन को सुनना है, वीडियो को एंड तक देखना है और साथ साथ अपने नोट्स भी बनाने हैं, ताकि आपको अगर बाद में कभी जरूरत पड़ती है तो आप उन एक हैंड रिटन नोट्स को प्रॉपर तरीके से देख सको, वहां रिवीजन ले सको। देखिए स्टूडेंट्स, आरबीसी की बात करते हैं वन बाय वन। अब हमने तीनों रक्त कणिकाएं के सारे पॉइंट्स पढ़ने हैं, वैज्ञानिक नाम, जन्म स्थान, मृत्यु स्थान, सारी हमने डिस्कशन करना है। देखिए ध्यान से, आरबीसी का मैं आपको नाम बता चुकी हूं, आरबीसी का है रेड ब्लड कार्पोसल्स या लाल रक्त कणिकाएं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके वैज्ञानिक नाम की।
वैज्ञानिक नाम की, तो आरबीसी का वैज्ञानिक नाम आपको याद रखना है, आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो वो होता है एरिथ्रोसाइट। आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, एरिथ्रोसाइट। क्वेश्चन आता है सीधा, एरिथ्रोसाइट के नाम से कौन सी रक्त कणिका जानी जाती है, तो वो जानी जाती है, याद रखोगे आप, आरबीसी। अगला क्वेश्चन, आरबीसी का जन्म स्थान, आरबीसी का जन्म स्थान यदि हमसे पूछा जाए तो आरबीसी का जन्म स्थान बताओगे आप, आरबीसी कहाँ जन्म लेती हैं, तो वयस्क मनुष्य के रुधिर में आरबीसी जन्म लेती हैं कहाँ पर, अस्थि मज्जा। वयस्क मनुष्य के शरीर में आरबीसी कहाँ जन्म लेती हैं, तो वयस्क मनुष्य के शरीर में आरबीसी जन्म लेती हैं उसके अस्थि मज्जा में। अब आप लोगों में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि अस्थि मज्जा क्या पार्ट होता है। देखिए, हमने बायो को क्रैम नहीं करना है, मैं यहाँ पर आपको एक एक चीज बताऊंगी डिटेल में कि कैसे क्या पार्ट होता है, कैसे उसका क्या नाम है। अस्थि मज्जा पार्ट को हम बोलते हैं बोन मैरो, अस्थि मज्जा पार्ट को हम बोलते हैं बोन मैरो। तो देखिए फ्रेंड्स, ध्यान से, अस्थि मज्जा कहा जाता है अपनी जो हड्डी है, हड्डी के बीच में खोखली जगह होती है, उस खोखली जगह में तीनों प्रकार की रक्त कणिकाएं जन्म लेती हैं, आरबीसी भी, डब्ल्यूबीसी भी और प्लेटलेट्स भी। तो अस्थि मज्जा जन्म स्थान है आरबीसी का, किसके अंदर, वयस्क मनुष्य के अंदर। बस अगर क्वेश्चन ये बन जाए कि गर्भस्थ शिशु में आरबीसी कहाँ जन्म लेती है, गर्भस्थ शिशु में यदि आरबीसी का जन्म स्थान पूछा जाए तो गर्भस्थ शिशु में आप बताओगे आरबीसी का जन्म स्थान कहाँ होगा, तो गर्भस्थ शिशु में हमें याद रखना है आरबीसी जन्म लेती है कहाँ पर, उसके लीवर में, या जिसे हम कहते हैं यकृत। आरबीसी का जन्म स्थान वयस्क मनुष्य में पूछा जाए, एडल्ट्स में पूछा जाए तो है वो अस्थि मज्जा, लेकिन अगर हमसे कहा जाए आरबीसी गर्भस्थ शिशु में कहाँ जन्म लेती हैं, तो वो लेती हैं कहाँ पर, उसके लीवर में, याद रखनी है आपको ये बात। चलिए अगला क्वेश्चन, आरबीसी का मृत्यु स्थान यदि हम बात करें, अगला पॉइंट, आरबीसी मरती कहाँ पर है, तो फ्रेंड्स आरबीसी का मृत्यु स्थान कहा जाता है किसको, प्लीहा को, या जिसे आप इंग्लिश में बोलते हो स्प्लीन। अब सुनिए, प्लीहा या स्प्लीन ये क्या पार्ट होता है, आमाशय का पिछला हिस्सा, आमाशय या लीवर का के का जो पिछला हिस्सा है वो कहा जाता है प्लीहा, और यहाँ पर आकर आरबीसी मर जाती है। अब यहाँ पर आकर आरबीसी मरती हैं, इसी वजह से प्लीहा को एक नाम से जाना जाता है, प्लीहा को एक नाम से जाना जाता है आरबीसी का कब्रिस्तान। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में कई बार आ चुका है कि आरबीसी का कब्रिस्तान, या जब इंग्लिश में हम बात करें, इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, तो आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है किसे, प्लीहा को, आप याद रखोगे। प्लीहा का एक और उपनाम होता है, प्लीहा को कहा जाता है शरीर का ब्लड बैंक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों, शरीर का रुधिर बैंक किसे कहा जाता है, तो शरीर का रुधिर बैंक कहा जाता है फ्रेंड्स किसे, प्लीहा को। ऐसा क्यों कहा जाता है, देखिए ये पॉइंट कवर करने से पहले मैं आपको एक बात बता देती हूँ, आरबीसी की संख्या कितनी होती है, आरबीसी की संख्या और आरबीसी का जीवन काल, एक बार ये पॉइंट मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि शरीर का रुधिर बैंक हमने आरबीसी को क्यों कहा। आरबीसी की संख्या आप याद रखोगे कितनी होती है, औसत संख्या की यदि हम बात करें तो वो होती है कितनी, 50 लाख से 55 लाख प्रति घन मिलीमीटर, 50 लाख से 55 लाख प्रति घन मिलीमीटर, या इसको आप बोल सकते हो पर क्यूबिक एमएम, 50 लाख से 55 लाख प्रति घन मिलीमीटर। और फिर यदि हमसे कहा जाए आरबीसी का जीवन काल, आरबीसी कितने टाइम तक जिंदा रहती है, तो आरबीसी का आपको जीवन काल याद रखना है स्टूडेंट्स कितना, 90 से 120 दिन। और यदि महीने वाइज हमसे बात करे एग्जामिनर, तो महीने वाइज आप इस डाटा को याद रखोगे 3 से 4 महीने। देखिए अब आरबीसी की संख्या है 50 से 55 लाख और आरबीसी का जीवन काल मैंने आपको बताया 90 से 120 दिन। अब सर सारी आरबीसी यूनियन की एक साथ पैदा होंगी, एक साथ वो मर जाएंगी, जिन आरबीसी का कुछ टाइम
स्पर्म बचता है, कुछ एक जीवन काल बचता है, तो कहां पर आकर स्टोर हो जाती हैं? प्लीहा में आकर स्टोर हो जाती हैं। और ये जो आरबीसी का नंबर है ये फिक्स नहीं है कि हर टाइम ही आरबीसी का इतना नंबर रहेगा, ये नंबर बढ़ता या घटता रहता है। आरबीसी का नंबर बढ़ेगा कब, क्वेश्चन आता है, तो आरबीसी का नंबर बढ़ेगा जब इंसान कोई भी हार्ड वर्क करता है, जैसे मान लो एथलीट वगैरह है वो रनिंग करता है, या फिर हम पहाड़ों पर जाते हैं, जब कहने का मतलब कठिन काम करने के दौरान, कोई भी मेहनत वाला काम करने के दौरान आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है, जबकि सोते समय आरबीसी की संख्या घट जाती है। तो कहने का मतलब ये नंबर फिक्स नहीं है, ये बढ़ता घटता रहेगा। और शरीर को जब जरूरत पड़ेगी बढ़ी हुई आरबीसी की, तो किस में से निकाल लेगा? वो निकाल लेगा प्लीहा में से। इसी वजह से प्लीहा को, मैं अभी आपको बता रही थी, प्लीहा को किस नाम से जाना जाता है, प्लीहा को कहा जाता है शरीर का रुधिर बैंक। और दूसरा हमने पढ़ ही लिया, इसका दूसरी खासियत क्या है, इसको कहा जाता है आरबीसी का कब्रिस्तान। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है, तो प्लीहा को। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, प्लीहा को। याद रखनी है आपको ये बातें। चलिए अब देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन पूछा गया, जैसा कि मैं अभी आपको बता रही थी कि पहाड़ों पर जाने पर आरबीसी की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो याद रखोगे आप, पहाड़ों पर जाने पर आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है आरबीसी की संख्या पहाड़ों पर जाने पर? क्योंकि आपको पता है, अब हम पहाड़ों पर जब जाते हैं तो ऊंचाई पर जाने पर वायु दाब में कमी आती है। वायु दाब में कमी आएगी तो सीधी सी बात है, वायु दाब में यदि कमी आएगी तो क्या होगा, हम फटाफट से क्या करेंगे, सांस लेंगे और छोड़ेंगे। और सांस लेने और छोड़ने का मतलब क्या है, O2 CO2 का प्रीवहन शरीर में फास्ट हो, और O2 CO2 का प्रीवहन शरीर में करता कौन है, तो करती है आरबीसी। तो जितनी ज्यादा आरबीसी होंगी, हम O2 CO2 का प्रीवहन शरीर में उतनी ही जल्दी, मतलब उतना ही फास्ट हो पाएगा। इट मीन्स पहाड़ों पर जाने पर, या फिर जो एथलीट रनिंग वगैरह करता है, तो उस दौरान आपको याद रखना है आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है, जबकि सोते समय या विश्राम अवस्था में याद रखना आपको आरबीसी की संख्या घट जाती है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, इसलिए क्वेश्चन आपको मार्क करना है कि पहाड़ों पर जाने पर आरबीसी की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है। एग्जामिनर आपसे ऑप्शन दे देगा कि वो बढ़ती हैं, घटती हैं, या फिर नो चेंज, तो आप बताओगे बढ़ जाती हैं। अराउंड 30% तक बढ़ जाती हैं आरबीसी की संख्या पहाड़ों पर जाने पर। चलिए अब यदि हम बात करें आरबीसी के कार्य की, कि आरबीसी का काम क्या है, तो ध्यान से समझना, आरबीसी का काम, पेपर में कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि क्या काम, कौन सी रक्त कणिका का है, तो समझना ध्यान से, आरबीसी के दो काम हैं। पहला काम है आरबीसी का O2 CO2 का प्रीवहन करना, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ O2 एंड CO2 इज डन बाय विच कार्पोसल, तो आप आंसर करोगे रेड ब्लड कार्पोसल या फिर आरबीसी। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि शरीर के अंदर दो गैसों का प्रीवहन होता है, एक ऑक्सीजन का और एक CO2 का। अपने शरीर के अंग क्या करते हैं, ऑक्सीजन यूज कर लेते हैं और बाहर क्या कर देते हैं, CO2। तो उन O2 CO2 का प्रीवहन किया जाता है कौन से अंग की मदद से, रक्त की मदद से, और रक्त के बेसिकली कौन से पार्ट की मदद से, तो आपको याद रखना है आरबीसी की मदद से। अगला काम आप आरबीसी का याद रखोगे, आरबीसी का अगला काम है खून का रंग या फिर रक्त का रंग लाल बनाना, रक्त का रंग लाल बनाना। देखिए स्टूडेंट्स ध्यान से, आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा कि अपने रक्त का रंग लाल, खून का रंग लाल किसके कारण होता है, तो वो होता है हीमोग्लोबिन के कारण। और वो जो हीमोग्लोबिन पिगमेंट है वो मौजूद होता है कौन सी रक्त कणिका में, याद रखोगे आप आरबीसी में। तो आरबीसी में मौजूद एक पिगमेंट आपको याद रखना है, आरबीसी में कौन सा पिगमेंट होता है, कौन सा वर्णक होता है, या कौन सा प्रोटीन आप कह सकते हो, तो आरबीसी में मौजूद होता है हीमोग्लोबिन, आरबीसी में मौजूद होता है हीमोग्लोबिन। अब अगर आप इस हीमोग्लोबिन पार्ट को देखोगे, तो हीमोग्लोबिन पार्ट के अंदर दो टर्म्स हैं, हीमोग्लोबिन के अंदर दो टर्म्स हैं, कौन कौन सी, एक तो हीम और दूसरी कौन सी, ग्लोबिन। देखिए हीम का मतलब होता है रेडिश कलर का कोई पिगमेंट, रेडिश कलर का पिगमेंट मतलब यहां पर एक रेडिश कलर जो आ रहा है वो बेसिकली किसकी वजह से आ रहा है, आयरन की वजह से। और ग्लोबिन मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था,
ग्लोबिन एक प्रोटीन है। लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ प्रोटीन बताए थे, फाइब्रोनोजन या प्रोथ्रोम्बिन, हिपेरिन और ग्लोबिन। यदि आपने वो क्लास नहीं देखी है तो क्लास को देख लेना प्रॉपर तरीके से, क्योंकि मैं आपको कहती हूँ कि साइंस की जो क्लास है वो हर क्लास इंटर रिलेटेड होते हुए चलते हैं एक दूसरे से। तो अगर आप प्रॉपर सिक्वेंस में सारे क्लासेस देखते हो तभी आप समझ पाओगे कि एक्चुअल में टॉपिक है क्या, कॉन्सेप्ट है क्या, राइट। तो ग्लोबिन प्रोटीन मैंने आपको बताया था ये करता है ओ टू सी ओ टू का प्रीवहन। O2 CO2 का जो ट्रांसपोर्टेशन करता है वो कौन सा प्रोटीन करता है, वो करता है ग्लोबिन प्रोटीन। तो एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है हीमोग्लोबिन नामक वर्णक कौन सी रक्त कणिका में मौजूद होता है, तो वो होता है आरबीसी के अंदर। फिर यहां से आपको दिखाई दे रहा होगा, हमने पढ़ा कि हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु मौजूद होती है, तो वो मौजूद होती है आयरन। अब आयरन का सिंबल आप सभी को पता होगा, आयरन का सिंबल होता है Fe। बट यहां पर कौन सा Fe आपको थोड़ा सा केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर होगा, मैं आपको केमिस्ट्री में कराऊंगी ये आयन वाली चीजें। तो आयरन के ऊपर दो टाइप के चार्ज एग्जिस्ट करते हैं, या तो 2 पॉजिटिव या 3 पॉजिटिव। Fe2 पॉजिटिव को हम बोलते हैं फेरस, और जबकि Fe3 पॉजिटिव को हम बोलते हैं फेरिक। तो एग्जामिनर यूं कह देता है कि हीमोग्लोबिन में कौन सा आयरन मौजूद होता है, फेरस या फेरिक। तो आपको याद रखना है हीमोग्लोबिन में मौजूद होता है फेरस। फेरस का मतलब क्या है, Fe के ऊपर कौन सा चार्ज, Fe के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज। तो आपको ये बात याद रखनी है हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु मौजूद होती है आयरन। आयरन यदि ना हो तो हम इसको दूसरा नाम लोहा भी बोल सकते हैं। और कौन सा लोहा, कौन सा आयरन, Fe2 पॉजिटिव, जिसको हम बोलते हैं फेरस। चलिए, अब दिल्ली पुलिस सीपीओ में क्वेश्चन पूछा गया कि मानव रुधिर में, एक वयस्क मनुष्य के रुधिर में कितना हीमोग्लोबिन मौजूद होता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समझना ध्यान से। वयस्क मनुष्य के रुधिर में हीमोग्लोबिन की मात्रा, वयस्क मनुष्य के रुधिर में हीमोग्लोबिन की मात्रा पूछी गई पेपर में। तो वयस्क मनुष्य के रुधिर में हीमोग्लोबिन की मात्रा आपको याद रखनी है स्टूडेंट्स, कितनी होती है, समझना ध्यान से कितनी होती है, वैल्यू याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लेना। वयस्क मनुष्य के रुधिर में हीमोग्लोबिन की मात्रा आप बताओगे 13.5 से 14.5 ग्राम प्रति 100 ml। क्वेश्चन ये था पूछा गया कि वयस्क मनुष्य के रुधिर में 13.5 से 14.5 ग्राम हीमोग्लोबिन कितने ml ब्लड में होता है। ऑप्शन दिए 10 ml, 100 ml, 1000 ml या none of these। तो आप बताओगे प्रति 100 ml में, 13.5 से 14.5 ग्राम प्रति 100 ml। चलिए स्टूडेंट्स, अगला पॉइंट करते हैं आरबीसी से। देखिए आरबीसी की यदि आप बात करो तो हम हैं स्तनपाई जीव। मैं आपको जंतु जगत का एक टॉपिक कराऊंगी, वहां पर आपको और भी तरीके से समझ आएगा कि है ना, सभी जीवों को कुछ संघ में, कुछ वर्ग में बांटा गया है। जैसे आपने सुना होगा आर्थ्रोपोडा, जिसमें कीटों के बारे में बात करते हैं। फिर आपने सुना होगा मोलस्का, राइट, जिसमें हम केचुआ और जोक, इन सब की, घेंगा, ऑक्टोपस वगैरह की बात करते हैं, एनिलिडा वगैरह। तो ये जंतु जगत का एक टॉपिक है, तो वहां पर मैं आपको सारी चीजें क्लियर कराऊंगी। एट प्रेजेंट यदि हम बात करें स्तनपाई जीवों की, आपको थोड़ी सी नॉलेज होगी कि हम जो हैं, मनुष्य जो है वो स्तनपाई वर्ग का प्राणी है। मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, गाय, कंगारू, चमगादड़, ये सभी स्तनपाई जीव हैं। तो समझना है आपको ध्यान से, स्तनपाई जीव की यदि मैं बात करूं, नॉर्मल स्तनपाई जीवों की आरबीसी में केंद्रक नहीं होता, नॉर्मल स्तनपाई जीवों की आरबीसी में केंद्रक नहीं होता। लेकिन कौन से ऐसे स्तनपाई जीव हैं, इसका एक अपवाद है कि कौन से ऐसे स्तनपाई जीव हैं जिनकी आरबीसी में केंद्रक होता है, तो वो आपको याद रखना है ऊंट व लामा दो ऐसे मैमल्स हैं, दो ऐसे स्तनपाई जीव हैं जिनकी आरबीसी में केंद्रक होता है। मतलब ये अपवाद है स्तनपाई जीवों की आरबीसी, अगर आप नॉर्मल बात करो मैमल्स की, स्तनपाई जीवों की, उनकी आरबीसी में केंद्रक नहीं होता। लेकिन अगर हम बात करें दो ऐसे स्तनपाई जीव, कौन से ऐसे स्तनपाई जीव हैं जिनकी आरबीसी में केंद्रक होता है, तो वो आपको याद रखने हैं। दो मैंने आपको बताए कौन कौन से, ऊंट और लामा ऐसे स्तनपाई जीव हैं जिनकी आरबीसी में केंद्रक
होता है। जबकि हम अपनी बात करें, अगर और जो स्तनपाई जीव है जैसे कुत्ता बिल्ली गाय इनकी बात करें तो इनकी आरबीसी में केंद्रक नहीं होता। फ्रेंड्स अभी पीछे एचएसएससी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि मेंढक की आरबीसी कैसी होती है, मेंढक की आरबीसी कैसी होती है। तो आपको याद रखना है मेंढक जो है वो एक उभयचर वर्ग का प्राणी है। मेंढक की हम बात करें, यदि हम बात करें सरीसृपों की, तो सरीसृप का मतलब रेंगने वाले जीवों की, तो इन सब जीवों की आरबीसी में केंद्रक होता है। तो पेपर में क्वेश्चन पूछा गया कि मेंढक की आरबीसी कैसी होती है, तो मैं आपको बता रही हूं कि मेंढक की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, इसलिए आपको याद रखना है मेंढक की आरबीसी कैसी होती है, मतलब इसके अंदर केंद्रक होता है। ऑप्शन थे कि केंद्रक युक्त होती है या केंद्रकहीन होती है, तो मेंढक की आरबीसी कैसी होती है आप बताओगे केंद्रक युक्त। केंद्रक युक्त का मतलब इसके अंदर केंद्रक मौजूद होता है। मेंढक की आरबीसी कैसी होती है, केंद्रक युक्त होता है, केंद्रक युक्त होती है। ये स्टूडेंट्स अभी पीछे एचएसएससी के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, याद रखना है आपको मेंढक की आरबीसी कैसी होती है, तो मेंढक की आरबीसी होती है केंद्रक युक्त, मतलब उसकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। चलिए आरबीसी से फर्दर पॉइंट्स देखते हैं। आरबीसी मैंने आपको बताया था आरबीसी जो है इसके अंदर मौजूद होता है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन में मौजूद धातु हमने देख ली लोहा। तो आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा आरबीसी अथवा लोहे की कमी से होने वाला रोग, तो आरबीसी अथवा लोहे की कमी से होने वाला जो रोग है वो कौन सा रोग आपको याद रखना है स्टूडेंट्स, वो याद रखना है आपको एनीमिया। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरबीसी की कमी से होने वाला रोग एनीमिया, एनीमिया या जिसको आप कहते हो रक्त अल्पता, रक्त अल्पता। चलिए अब यदि हम बात करें आरबीसी के साइज और शेप की, तो आरबीसी की जो शेप है याद रखोगे आप, आरबीसी की शेप होती है गोलाकार, या समटाइम्स इसको उभया अवतल भी बोल देते हैं। गोलाकार यदि ऑप्शन में ना हो तो आप इसको क्या बताओगे, उभया अवतल, बाइकोनकेव बोल सकते हैं। उभया अवतल को हम बाइकोनकेव बोल सकते हैं। अगर हमसे कहा जाए आरबीसी का साइज क्या होता है, तो आरबीसी का साइज आप याद रखोगे 7 से 8 माइक्रोमीटर, 7 से 8 माइक्रोमीटर। आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओगे 1 माइक्रोमीटर की वैल्यू कितनी होती है, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओगे 1 माइक्रोमीटर बराबर कितने मीटर होता है। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए छोड़ा है, बताओगे आप मेरे को इसका आंसर, तो 7 से 8 माइक्रोमीटर होता है आरबीसी का साइज। अच्छा अगला क्वेश्चन, यहाँ पर मैं आपको सारे क्वेश्चन बता रही हूँ प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए हैं, एक भी पॉइंट यहाँ पर आपका रक्तकणिकाओं से नहीं बचेगा। देखिए स्टूडेंट्स फिर क्या क्वेश्चन पूछा गया कि आरबीसी की परिपक्वता के लिए, आरबीसी की परिपक्वता, परिपक्वता मतलब उसकी मेच्योरिटी के लिए, आरबीसी की परिपक्वता को आप कह सकते हो मेच्योरिटी के लिए कौन से विटामिन जरूरी है, के लिए जरूरी विटामिन, आरबीसी की परिपक्वता के लिए जरूरी विटामिन आपसे यदि पूछा जाए तो आप याद रखोगे विटामिन बी नाइन, जिसको हम कहते हैं फोलिक एसिड। तो फ्रेंड्स ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं आरबीसी से रिलेटेड, कि आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या है, जन्म स्थान क्या है, मृत्यु स्थान क्या है, कितनी संख्या है, क्या जीवन काल है, आरबीसी की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है पहाड़ों पर जाते समय, सारे हमने पॉइंट्स डिस्कस कर लिए। नॉर्मल मैमल्स की आरबीसी में केंद्रक नहीं होता, लेकिन 2 अपवाद बताए मैंने इसके आपको कि कौन से ऐसे स्तनपाई जीव हैं जिनके आरबीसी में केंद्रक होता है, ऊंट व लामा। पेपर में पूछा गया मेंढक की आरबीसी कैसी होती है, तो मेंढक की आरबीसी में केंद्रक होता है, याद रखोगे आप। ये सारे पॉइंट्स हमने पढ़े आरबीसी के बारे में। आरबीसी की कमी से होने वाला रोग मैंने आपको बताया एनीमिया, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी आपको याद रख लेना है, और आरबीसी का साइज कैसा होता, साइज कितना होता है 7 से 8 माइक्रोमीटर, आरबीसी की शेप कैसी होती है गोलाकार, फिर मैंने आपको बताया कि आरबीसी की परिपक्वता के लिए कौन से पदार्थ या कौन से विटामिन जरूरी है, तो विटामिन B9 जिसे हम कहते हैं, जिसका मैंने आपको रासायनिक नाम बता दिया फोलिक एसिड। चलिए दैट वाज ऑल अबाउट आरबीसी, अब अगली रक्तकणिका पर मूव ऑन करते हैं। अगली रक्तकणिका है WBC। अच्छा फ्रेंड्स आरबीसी में एक और पॉइंट मैं आपको बता देती हूँ, आरबीसी में एक और पॉइंट बता देती हूँ, ये भी पेपर में क्वेश्चन पूछा गया कि आरबीसी की संख्या को मापने वाला यंत्र,
आरबीसी की संख्या को मापने वाला यंत्र, आरबीसी की संख्या को मापने वाला यंत्र भी पेपर में आ चुका है, तो आप आरबीसी की संख्या को मापने वाला यंत्र याद रखोगे, हीमोसाइटोमीटर। हीमोसाइटोमीटर ये मैंने आपसे कहा था कि मैं इस वीडियो में इस पूरी कंप्लीट साइंस आपको कराने वाली हूँ इस चैनल पर, तो काफ़ी डिटेल टॉपिक कराऊंगी आपका, यहाँ पर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, तो आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है। ये सारे पॉइंट थे अपने आरबीसी से रिलेटेड जो कि एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। चलिए अब आ जाते हैं अगली रक्त कणिका जिसकी हम बात कर रहे थे, WBC। WBC की यदि फुल फॉर्म की बात करें तो वो मैं आपको बता चुकी हूँ, WBC का पूरा नाम है व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स या श्वेत रक्त कणिकाएं। WBC के यदि हम बात करें वैज्ञानिक नाम की, तो WBC का आपको वैज्ञानिक नाम याद रखना है, WBC का जो वैज्ञानिक नाम है वो आपको याद रखना है ल्यूकोसाइट। WBC का आपको वैज्ञानिक नाम याद रखना है ल्यूकोसाइट। देखिए स्टूडेंट्स, पेपर में क्या कंफ्यूजन हो जाती है बच्चों को, एक नाम है ल्यूकोसाइट जबकि एक नाम है लिम्फोसाइट। देखिए ध्यान से, लिम्फोसाइट WBC का एक टाइप है। WBC के यदि मैं आपको टाइप बताऊं तो WBC के 5 प्रकार होते हैं। आजकल थोड़ा से डिटेल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं पेपर में, तो WBC के 5 प्रकार होते हैं, कौन कौन से वो मैं आपको फटाफट से बताती हूँ, सुनना है आपको ध्यान से। WBC के 5 प्रकार होते हैं, समझना ध्यान से, न्यूट्रोफिल्स, दूसरा आपको याद रखना है बेसोफिल्स, फिर आपको याद रखना है ओसिनोफिल्स, फिर आपको देखना है अगला मोनोसाइट, और फिर आपको करना है लिम्फोसाइट। तो अभी मैं इसी लिम्फोसाइट की बात कर रही थी, लिम्फोसाइट और ल्यूकोसाइट में पेपर में कंफ्यूजन हो जाती है। ल्यूकोसाइट WBC का वैज्ञानिक नाम है जबकि लिम्फोसाइट WBC का एक टाइप है। देखिए फिर क्या क्वेश्चन पूछा गया पेपर में, कि ये क्वेश्चन भी पूछा गया था पीछे HSSC के अंदर, कि कौन सी WBC मानव शरीर में सर्वाधिक होती है, तो सर्वाधिक नंबर में, सर्वाधिक मात्रा में जो पाई जाने वाली, सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली जो WBC है वो आपको याद रखना है कौन सी होती है, वो होती है न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स जो WBC है वो संख्या में सबसे ज्यादा होती है, याद रखना है आपको। और यदि संख्या में सबसे कम पूछी जाए तो सबसे कम मात्रा में होती है कौन सी, याद रखोगे आप बेसोफिल्स, सबसे कम मात्रा में होती है बेसोफिल्स। ये दोनों पॉइंट याद रखने हैं, एग्जाम में सबसे ज्यादा बार ये पूछा गया है कौन से WBC मानव शरीर में सर्वाधिक होती है, याद रखोगे आप न्यूट्रोफिल्स। चलिए WBC के बारे में और बात करते हैं। WBC का यदि आपसे कहा जाए, WBC का वैज्ञानिक नाम मैंने आपको बता दिया ल्यूकोसाइट, WBC के यदि हमसे कार्य पूछे जाए तो उसमें समझना ध्यान से, WBC के जो कार्य होते हैं वो होते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली रक्त कणिका कौन सी बोली जाती है, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली रक्त कणिका बोली जाती है, याद रखोगे आप WBC, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है WBC। चलिए अब जो है WBC शरीर में रोगों से लड़ने की हमें क्षमता प्रदान करती है, इसलिए WBC को एक नाम से जाना जाता है, कि कौन सी रक्त कणिका को, एग्जामिनर पूछ लेता है शरीर के सैनिक कहा जाता है, तो शरीर के सैनिक कहा जाता है, याद रखोगे आप किसको, WBC को, शरीर के सैनिक के नाम से जाना जाता है WBC को। देखिए स्टूडेंट्स, अब WBC के यदि हम बात करें जन्म स्थान की, तो WBC का जन्म स्थान आपको याद रखना है, WBC का जन्म स्थान अगर हमसे पूछा जाए तो WBC का जन्म स्थान होता है अस्थि मज्जा, या जिसे हम कहते हैं बोन मैरो, अस्थि मज्जा अथवा बोन मैरो। चलिए अब बात करें यदि WBC के मृत्यु स्थान की, कहाँ WBC मर जाती हैं, तो WBC मर जाती हैं स्टूडेंट्स कहाँ पर, प्लीहा अथवा, लीहा यदि ऑप्शन में ना हो तो दूसरा ऑप्शन आप इसका करोगे रक्त में ही, WBC मर जाती है रक्त में ही।
चलिए अगला जो है क्वेश्चन, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल अगर हमसे कहा जाए कितने टाइम तक जिंदा रहती है डब्ल्यूबीसी, तो सर डब्ल्यूबीसी जिंदा रहती है कितने दिन तक, याद रखोगे आप 2 से 4 दिन, 2 से 4 दिन। फिर डब्ल्यूबीसी का यदि हमसे कहा जाए, डब्ल्यूबीसी का जन्म स्थान मैंने आपको बताया अस्थि मज्जा, मृत्यु स्थान प्लीहा अथवा रक्त में ही। फिर यदि आपसे पूछा जाए डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना है, तो वो है 2 से 4 दिन। फिर यदि हमसे कहा जाए डब्ल्यूबीसी की संख्या, तो डब्ल्यूबीसी की संख्या आप याद रखोगे 6000 से 8000 प्रति घन मिलीमीटर। अब किसी बुक्स में लिखा होगा 4000 से 11000 प्रति घन मिलीमीटर, तो ये ठीक है, ये एक एप्रोप्रिएट रेंज है, एनसीईआरटी डेटा है, 6000 से 8000 प्रति घन मिलीमीटर। चलिए याद रखोगे आप, देखो डब्ल्यूबीसी नाम से क्लियर है व्हाइट ब्लड कार्पोसल्स, तो इसके अंदर हीमोग्लोबिन मौजूद नहीं होता, और डब्ल्यूबीसी आप याद रखोगे डब्ल्यूबीसी ऐसी रक्त कणिका है जिसमें केंद्रक मौजूद होता है, डब्ल्यूबीसी में केंद्रक उपस्थित होता है, डब्ल्यूबीसी में केंद्रक उपस्थित होता है। अगला पॉइंट आप याद रखोगे, डब्ल्यूबीसी की कमी से होने वाला रोग, अगर हमसे डब्ल्यूबीसी की कमी से होने वाला रोग पूछा जाए, तो डब्ल्यूबीसी की कमी से रोग आपको पेपर में कई बार आ चुका है, याद रखना है डब्ल्यूबीसी की कमी से रोग एड्स, एड्स की जो बीमारी है वो डब्ल्यूबीसी की कमी से होती है, जबकि डब्ल्यूबीसी की अधिकता से होने वाली बीमारी, डब्ल्यूबीसी की अधिकता से जो बीमारी होती है वो आपको याद रखनी है, अधिकता से बीमारी फैलती है, ये एग्जाम में ज्यादा पूछा गया है, अधिकता से होने वाला रोग हम बोलते हैं इसको ल्यूकेमिया, पेपर में कई बार क्वेश्चन आ चुका है ल्यूकेमिया जो है, इसका इवन इसका अन्य नाम भी पूछा गया है, तो ल्यूकेमिया को हम बोलते हैं ब्लड कैंसर, रुधिर कैंसर, या क्वेश्चन आता है कौन सी बीमारी को ब्लड कैंसर कहा जाता है, तो एग्जामिनर आपको ऑप्शन दे देगा हीमोफीलिया को, एनीमिया को, ल्यूकेमिया को, ल्यूकोपीनिया को, तो आपको याद रखना है ल्यूकेमिया को कहा जाता है ब्लड कैंसर के नाम से, जो कि कब होता है डब्ल्यूबीसी की अधिकता से। फिर आपको याद रखना है आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का रेशियो, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का जो रेशियो है वो आपको मैं बता देती हूँ, वो होता है 600:1, ये भी क्वेश्चन आ चुका है पेपर में, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का रेशियो आप याद रखोगे 600:1। अच्छा फिर हमसे यदि डब्ल्यूबीसी की शेप पूछी जाए, डब्ल्यूबीसी की शेप कैसी होती है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, तो डब्ल्यूबीसी की शेप होती है कैसी, अमीबा जैसी। क्वेश्चन क्या पूछा गया पेपर में कि कौन से रक्त कणिका का आकार, कौन से रक्त कणिका की शेप अमीबा जैसी होती है, तो वो आप याद रखोगे डब्ल्यूबीसी की। चलिए ये था डब्ल्यूबीसी के बारे में, अब हम अपनी तीसरी रक्त कणिका कवर कर लेते हैं, तो तीसरी रक्त कणिका जो है वो है आप याद रखोगे प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का यदि हम बात करें वैज्ञानिक नाम की, तो प्लेटलेट्स के वैज्ञानिक नाम समझिए फटाफट से, प्लेटलेट्स का वैज्ञानिक नाम होता है थ्रोम्बोसाइट, प्लेटलेट्स का वैज्ञानिक नाम होता है थ्रोम्बोसाइट। देखिए थ्रोम्बोसाइट आपको याद हो जाएगा बिल्कुल इजीली, कैसे हो जाएगा, इसके लिए पहले प्लेटलेट्स का काम समझिए आप, प्लेटलेट्स का कार्य क्या है, इसका कार्य है रक्त का थक्का बनाना, ब्लड क्लोटिंग में जो मदद करता है वो कौन सी रक्त कणिका करती है, तो वो करती है प्लेटलेट्स। रक्त का थक्का बनाने वाला प्रोटीन मैंने आपको बताया था, रक्त का थक्का बनाने वाला प्रोटीन, देखिए रक्त के थक्के से कुछ क्वेश्चन आते हैं, रक्त का थक्के से 4 क्वेश्चन मैं आपको फटाफट से कवर करा देती हूँ, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये रक्त का थक्का, इसे आ जाता है क्वेश्चन, रक्त का थक्का बनाने वाली रक्त कणिका हमसे पूछी जाए, तो वो मैंने आपको बताई रक्त का थक्का बनाने वाली रक्त कणिका कौन सी है, तो वो है प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था रक्त का थक्का बनाने वाला प्रोटीन, रक्त का थक्का बनाने वाला प्रोटीन, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में कुछ प्रोटीन बताए थे, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है ब्लड के सेकंड पार्ट की तो आप देख लेना, वहां पर मैंने आपको क्लियर किया था रक्त का थक्का बनाने वाला प्रोटीन कौन सा होता है, तो वो होता है फाइब्रोनोजन अथवा प्रोथ्रोम्बिन। फिर हमने पढ़ा था रक्त का थक्का बनाने वाला विटामिन, रक्त का थक्का बनाने वाला विटामिन आप याद रखोगे, तो रक्त का थक्का बनाने वाला विटामिन कौन सा होता है स्टूडेंट्स, वो होता है विटामिन, विटामिन के।
रक्त का थक्का बनाने वाला विटामिन, तो विटामिन के। फिर हमसे यदि आखिरी क्वेश्चन पूछा जाए, रक्त का थक्का बनाने वाला खनिज कौन सा मिनरल मदद करता है हमें ब्लड क्लोटिंग में, तो रक्त का थक्का बनाने वाला खनिज यदि आपसे पूछा जाए तो वो आप याद रखोगे कैल्शियम। रक्त का थक्का बनाने वाला खनिज यदि हमसे पूछा जाए तो वो आप याद रखोगे कैल्शियम। ये मैंने आपको चारों क्वेश्चन रक्त के थक्के से बता दिए कि रक्त का थक्का बनाने वाली रक्त कणिका प्लेटलेट्स, रक्त का थक्का बनाने वाला प्रोटीन फाइब्रोनोजन अथवा प्रोथ्रोम्बिन, रक्त का थक्का बनाने वाला विटामिन विटामिन के, और रक्त का थक्का बनाने वाला खनिज आखिरी में हमने पढ़ा कौन सा कैल्शियम। प्लेटलेट्स का जन्म स्थान अगर हमसे पूछा जाए, प्लेटलेट्स का जन्म स्थान, देखिए मैं अभी आपको जो कह रही थी प्लेटलेट्स का आपको वैज्ञानिक नाम याद हो जाएगा, वो कैसे हो जाएगा, क्योंकि ये हो जाएगा आपको थ्रोम्बिन से दूसरी टर्म, थ्रोम्बिन से जो दूसरी टर्म है वो अपनी कौन सी है, थ्रोम्बोसाइट, तो इस टाइप से आपको याद हो जाएगा। चलिए अब आ जाते हैं फ्रेंड्स अगली बात पर। अगली जो हम बात कर रहे थे प्लेटलेट्स का जन्म स्थान, देखिए फटाफट से प्लेटलेट्स का जन्म स्थान यदि हमसे पूछा जाए तो जन्म स्थान आप याद रखोगे अस्थि मज्जा, या जिसको हम कहते हैं बोन मैरो, अस्थि मज्जा या बोन मैरो। प्लेटलेट्स का यदि हमसे मृत्यु स्थान पूछा जाए तो प्लेटलेट्स मर जाती हैं कहाँ पर, रक्त में अथवा प्लीहा में ही, रक्त में अथवा प्लीहा में। फिर हमसे कहा जाए यदि प्लेटलेट्स की संख्या, तो प्लेटलेट्स की संख्या आप बताओगे 2.5 लाख से 5 लाख प्रति घन मिलीमीटर, 2.5 लाख से 5 लाख प्रति घन मिलीमीटर, 2.5 लाख से 5 लाख प्रति घन मिलीमीटर। उसके बाद अगर हमसे कहा जाए प्लेटलेट्स का जीवन काल, तो प्लेटलेट्स का जीवन काल आप बताओगे 5 से 7 दिन, 5 से 7 दिन की बजाय कई बार बुक्स में लिखा होता है 1 वीक, 1 हफ्ता, तो वो भी कोई इशू नहीं है, 4 से 7 दिन या समटाइम 5 से 7 दिन। तो ये है फ्रेंड्स प्लेटलेट्स का जीवन काल, जन्म स्थान, मृत्यु स्थान और संख्या। प्लेटलेट्स का आपको वैज्ञानिक नाम मैंने बता दिया थ्रोम्बोसाइट, याद रखना है आपको। अच्छा फ्रेंड्स एक बीमारी होती है ऐसी बीमारी जिसमें रक्त का थक्का नहीं बनता, ऐसी बीमारी जिसमें चोट अथवा कट लगने पर थक्का नहीं बनता रक्त का, वो बीमारी क्या कही जाती है, तो वो बीमारी कही जाती है, याद रखना है आपको, रक्त का थक्का नहीं बनता जिस बीमारी में, वो एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है, तो वो कही जाती है कौन सी बीमारी, हीमोफीलिया, हीमोफीलिया। और हीमोफीलिया जो है आपको थोड़ा सा आइडिया होगा, हीमोफीलिया जो है शाही बीमारी है। हीमोफीलिया को शाही बीमारी क्यों कहा गया, क्योंकि सबसे पहले कि शाही व्यक्ति में इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया में इसके लक्षण देखे गए, इसलिए इसको किस नाम से जाना जाता है, शाही बीमारी। याद रखोगे आप हीमोफीलिया कैसी भी बीमारी है, ये एक आनुवांशिक बीमारी है, ये एक जेनेटिक डिजीज है, आनुवांशिक बीमारी है, ये एक आनुवांशिक रोग है। चलिए फ्रेंड्स दैट वाज ऑल अबाउट ब्लड, जिसमें मैंने आपको आज ब्लड की तीसरी वीडियो में तीनों प्रकार की रक्त कणिकाएं कवर करा दी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, एक एक पॉइंट आपको बता दिया, सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। आई होप आपको ये वीडियो का कंटेंट समझ आया होगा, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो फ्रेंड्स अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। मैं इस चैनल पर कंप्लीट साइंस कराने वाली हूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के डिटेल टॉपिक आपको कराने वाली हूँ, जो कि आपके हर एग्जाम के लिए, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, सीबीटी 2, एचएसएससी, एसएससी, जो भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगी। तो मैंने इस चैप्टर में, इस वीडियो में आपको पूरा ब्लड कवर करा दिया, हो सकता है नेक्स्ट सेशन में मैं ब्लड के एमसीक्यू डाल दूं, तो एमसीक्यू आप तभी कर पाओगे जब आप ढंग से वीडियो को देखोगे, तो आपकी बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस हो सके, इसके लिए मैं एमसीक्यू सेशन भी कंडक्ट कराऊंगी इस चैनल पर। तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है यदि आप इस चैनल पर नए हो, और इस चैनल को, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आपको शेयर करना है। चलिए मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में, बने रहिए चैनल के साथ। थैंक यू वेरी मच।